एक दुनिया की तरफ अट्रैक्शन, एक खुदा की तरफ बढ़ना, ये दोनों चीजें अपोजिट है। अगर वो दुनिया की तरफ, दुनिया की चीजों की तरफ अपनी हर चीज को पूरा करने के लिए बढ़ता है तो खुदा से दूर हो जाता है, और अगर खुदा की तरफ बढ़ता है तो फिर दुनिया उससे छुटती है। अब ये जंग उसकी अपने ही आप से जंग है, यानी गोया दो मैं इंसान के अंदर छुपी हुई है और ये दो मैं आपस में जंग कर रहे हैं। ऐसी है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। मैं कोई आपको मौलवी की मसनवी या मुल्ला सदरा का फलसफा नहीं बता रहा जो आप इतना परेशान है। इट्स वेरी इजी। हम जिंदगी में सुबह शाम ये करते हैं। खूब आप सुबह उठते हैं, सर्दियां आप क्या हो रही है माशाल्लाह, खूब सर्दी है, नींद आ रही है, जवान बुजुर्ग तो माशाल्लाह नमाज इबादत गुजार तहज्जुद गुजार है। मैं जवानों की बात कर रहा हूँ, अभी जवान रात को सोया है, देर से सोया है, जो भी सोया है, अब सुबह फजर में उठना है, जंग, नमाज वाजिब है, पढ़नी है, नींद भी आ रही है, बिस्तर भी गर्म है, अभी एक जंग है। किससे कर रहा है? कोई थर्ड पार्टी है जो उसको रोक रही है? हाँ, खुद अपने आप से जंग कर रहा है। कोई चीज देख रहा है जो ना शायस्ता है, गलत है, नुकसानदेह है आंखों के लिए, नफ्स के लिए, मगर अंदर से विजदान कह रहा है कि ना देखो, खुदा नाराज हो जाएगा। किससे जंग कर रहा है? अपने आप से जंग कर हर रोज। अज़ीज़ान-ए-मोहतरम, हम कैसे खुदा की तरफ बढ़े?